अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ माय दुबई व्लॉग सीरीज़ और ये है व्लॉग नंबर 1। दिस इज़ मुल्तान एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ़्लाइट का और ये जनाब जी फ़्लाइट आ चुकी है। मेरी फ़्लाइट दुबई की फ़्लाइट नहीं थी, मेरी एयर ब्लू की फ़्लाइट थी, बट यहाँ से फ़्लाइट दुबई की फ़्लाइट नज़र आ रही थी तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। और ये जी जनाब सबूत कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने एयर ब्लू की टिकट भी ली हुई है और मैं बस बोर्डिंग के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा सफ़र शुरू होता है दुबई का। फ़्लाइट के अंदर मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से नीचे का व्यू आपको दिखाना चाह रही थी, वो जो आपको सनलाइट की एक लाइन नज़र आ रही है वहाँ पे दुनिया ख़त्म होती है और आसमान शुरू हो जाता है। ये एयर ब्लू का खाना है जो बिल्कुल भी बेस्वादा था। मतलब जो फीका खाना पसंद करते हैं उनको तो बड़ा पसंद आया होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, चाय कॉफ़ी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कॉफ़ी, ख़ास तौर से लाजमी पी लीजिएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे। आपको जो वेट करना पड़ा था बोर्डिंग का, उस वो वेट की थकावट उतर जाएगी। और ये जी जनाब हम लैंडिंग कर चुके हैं शारजाह एयरपोर्ट पे। ये मेरा सामान और ये रही मैं। इस वक्त मैं हूँ बस के अंदर और यहाँ से मैं जा रही हूँ फ़्लाइट से एयरपोर्ट के अंदर। तो बीच में मैंने सोचा ये एक सेल्फ़ी ले ली जाए। जी जनाब, मैं पहुँच चुकी हूँ घर और पहुँचते ही मुझे पता चला कि माऊ मामी को कहीं से इन्विटेशन आया है बारबेक्यू पार्टी का, जो कि बिल्कुल सहरा के अंदर। ये अपनी सारे अमीर लोगों के शशके हैं, अपनी अपनी लैंड क्रूजर्स खड़ी करके सेंटर में आप अंगीठी सेट करें, घर से आप मैरिनेटेड चिकन एंड बीफ लेकर आएं और यहाँ पर आराम सुकून से ग्रिल करें। हाँ, ये ज़रूर है कि ख़वातीन को यहाँ पे फुल सुकून मिलता है, ये सारे काम बंदे खुद करते हैं और हमें आराम देते हैं। ये हो चुकी है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह सुबह मैंने देखा कि जो मेरे मामी की कैट्स हैं उनमें से एक कैट मुझे वेलकम करने के लिए आई है और दूर दूर से गौर गौर से देख रही है, लेकिन काफ़ी डरी हुई थी इसलिए मेरी कोई ख़ास करीब शरीब नहीं आई। मैंने कोशिश भी की दोस्ती शोस्ती हो जाए लेकिन कोई ख़ास दोस्ती हुई नहीं हमारी। इसका नाम है जी पिशू और इस वक्त इसकी क्योंकि ग्रूमिंग हुई हुई है तो इसलिए इसकी टेल एक क्यूट सी, मैंने तो इसको कहा कि ये झाड़ू है बिकॉज जहाँ से भी गुजरता था इसकी टेल सफाई करती जाती थी। उसके बाद जी मेरा भांजा और मेरी बहन भी उठ चुके थे तो मेरे भांजे ने कहा मेरे साथ वीडियो गेम्स खेलो, उसके बाद मुझे बाहर वॉक के लिए लेके जाओ। और ये इसकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ड्राइविंग है ना, मामू ने इसको ये गिफ्ट लेके दिया आई थिंक ऑन हिज बर्थडे और ये इसको लेके जब निकलता है आई एम सो सरप्राइज कि इसको रोड्स की क्या नाम है स्पीड ब्रेकर्स की, लोगों के आने की, कहाँ पर स्पीड स्लो करनी है, कहाँ पर टर्न लेना है, कहाँ पे मैंने पार्क करना है, हर चीज़ की इसको इतनी ज़्यादा सेंस थी। और मैं बार बार उन्हें लाइट एंड नोट अपनी बहन को बोलती हूँ कि इस उम्र में मुझे तो ये भी नहीं पता होता था कि मेरी नाक बह रही है तो मुझे इसको क्लीन भी करना है या मुझे किसी को इम्प्रेस भी करना है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़रबद से बचाए कि किसको कैसे इम्प्रेस करना है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है और इस गाड़ी को लेके तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। वैसे भी काफ़ी इजी टू हैंडल है लेकिन स्टेयरिंग पे इसका कंट्रोल माशाल्लाह, इट वाज रियली सरप्राइजिंग। और ये सोसाइटी है जहाँ पर मेरे माऊ मामी रहते हैं इन उमुल कुवैन। कम कम कम, अच्छा कम 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 कम, इट्स ओके, कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड, यू आर गोइंग अगेन, इट्स ओके इट्स ओके। You're having fun with this speed breaker? उसकी शरारतों के बाद फिर हमने बस खाना खाया और मैं सो गई। अगले दिन ये हमारा हो चुका है सफ़र शुरू दुबई एक्सपो जाने का। मामी का प्लान था कि मुझे अजमान ड्रॉप करेंगी मेरे भाई के घर और वहाँ से फिर हम जाएंगे, सब बहन भाई जाएंगे दुबई। और वो बहुत अमेजिंग टूर था, यहाँ पे बिगिन होता है लेकिन यहाँ से कंटिन्यू होगा अगले व्लॉग में। और उसके बाद कुछ एक दो व्लॉग सिर्फ दुबई एक्सपो के आएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैंने शूट किया है और आपको दिखाना ही भी था ऑब्वियसली। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।